बहुत दिनों के बाद हम लोग फिशिंग का वीडियो ला रहे हैं, राइट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर घुस गए भाई, निकल। ये बोला इसको स्नेक हेड मिला है। यस, स्नेक हेड का बच्चा मिल गया रे, कब से हम लोग ढूंढ रहे थे। वहां देखो, मेरी मम्मी आई है, सब लोग आए हैं। कुछ हमने ये एक कबड्डी, एक स्नेक हेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाने की वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ, और ये जो वीडियो आप देखने वाले हो, ये फिशिंग का वीडियो जो 3 दिन पहले हम लोगों ने शूट किया था, लेकिन गाइस एडिट करने की मैं मतलब हालत में नहीं था, पर मैंने जैसे जैसे आज एडिट किया और आप लोगों के लिए, आप लोग देख लेना, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड होपफुली मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा एंड फिर बहुत सारे वीडियोस आप लोग तक लेकर आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये क्या फिशिंग शुरू हो रहा है पता नहीं, डुओ तो है नहीं, है ट्रिपल भी नहीं है, आई थिंक फैमिली फिशिंग होने वाली है। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, बट फिर भी मैं इन लोग का साथ देने के लिए मैं जा रहा हूँ। दीप ज्योति आ गया है, और ये देखो इसने ये नया बनाया है, एक और वहाँ पे भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम हम ये वाला लेकर गए थे, याद है आपको, जिससे हमने काफ़ी सारे फिश पकड़े थे, ठीक है। एंड इस टाइम अभी ये लेके जा रहे हैं, जिसको थोड़ी मरम्मत कर रही है दोनों। अच्छा, वो हाँ लास्ट टाइम जो देखा था ना, बड़ा हुआ है। आज क्या सुब्रजीत फिशिंग करने वाला है? तो गाइस निकल चुके हैं हम लोग फिशिंग के लिए। अभी कौन सा फिशिंग होने वाला है मुझे सही में नहीं पता, और अभी जा रहे हैं, और मुझे दीप ज्योति बोला गया है बहुत सारे बैडिश एंड जो लंबे वाले बाइम फिश बोलते हैं उसके बहुत बच्चे हैं, तो अगर वो कलेक्शन मिलता है तो लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा रिवर फिश टैंक जो है वो थोड़ा खाली हो चुका है, क्योंकि उसमें पहले को फिश था, उसने बाकी सारे फिश को खा लिए, और फिर उस फिश को हम लोगों ने अलग जगह पर डाल दिया जब मैं मुंबई में था, तो इसलिए उसको फिल करने के लिए हम कुछ नए फिश यहाँ से पकड़ने वाले हैं। और आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब, बट स्टिल जा रहा हूँ मैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिशिंग का वीडियो ला रहे हैं, राइट। क्या बोल रहे हो? इधर देख के बोले तो फिर वो आवाज नहीं आएगा। 1 महीना 15 दिन के बाद, और सुब्रजीत भी ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद ही आ रहा है। ये लोग तो यहीं से ट्राई करने वाला है, यहाँ पे ट्राई करने वाला है। अपने डेनियस मेरे पास कम हो गया अभी यार, आई नीड डेनियस, अगर मिला तो पकड़ना ये डेनियस। ऑटोमेटिक एयर पंप नहीं लेके आया, क्या मैंने बेवकूफ़ी काम किया है। एक्चुअली मैं फिशिंग के यहाँ पे सोच के नहीं आया, आया आया है, कुछ कुछ फिश तो मुझे दिख रहा है। कैसे दूँ? क्या क्या फिश है दिखा, क्या ये कौन सा मछली है? डेनियस नहीं है, ये कुछ और है। डेनियस तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा, सामने से दिखा एक बार, डेनियस एंड बार्ब, और थोड़ा सामने लिखा है, बार्ब भी नहीं है, कुछ और है। डेनियस ही, डेनियस नहीं है, हाँ है, समझ नहीं आ रहा है, रखते छोटे छोटे हैं वो, देख लंबे लंबे कुछ तो आया है, पता नहीं क्या है। हो सकता है, हो सकता है, बहुत सारा आया है ना, देवरी मछली मतलब लागी ना, इधर देवरी मछली बच्चा नहीं किबे, वो लोच भी है छोटा दे ना, ये क्या फिश है रे, बहुत ही सुंदर है, देवरी मछली बच्चा पहली बार आया, दिखा दिखा एक बार, और एक लोच एक बार दिखा सामने से, ठीक है रखते हैं, बाद में देखेंगे घर पे जाके। यहीं पे मछली मिल जा रहा है हम लोग को, मैं तो पानी में नहीं उतरने वाला, नहीं तो मैं नीचे जाता यार। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर घुस गए भाई, निकल। ये बोला इसको स्नेक हेड मिला है, क्रैब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन मुझे स्नेक हेड दिखा भाई, तू जो बोल रहा है छोटा, हाँ छोटा सा ही रहने दे भाई, वो यस यस, कब से मैं ढूंढ रहा था, प्लीज मेरे को हाथ में दे एक बार, तो सामने से दिखाएगा। यस, स्नेक हेड का बच्चा मिल गया रे, कब से हम लोग ढूंढ रहे थे। हाँ चलेगा चलेगा, यहाँ पे पहले देख क्या है, और बट ये स्नेक हेड को ध्यान से रखना, वो जंप करती है बहुत। मैं गाइस घर पे जाके ठीक से दिखाने वाला हूँ, एक ग्लास में डाल के। लोच ए देवरी मां, सत्य एकला देवरी मां से बच्चा होय, बहुत बढ़िया, बहुत ওই যে আমরা যে লাস্ট টাইম ঘুরছিলাম, হ্যাঁ
तो ये जा रहा है, मैं तो उतर नहीं रहा पानी में क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं खराब नहीं करना चाहता, तो मैं फिर वीडियोस नहीं ला पाऊंगा। मैं आपको बाद में ही दिखा देता हूँ, ठीक है? एक बार जब सब फिश आ जाएंगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको। और भी मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ, गिर गया ना पूरा पानी में, गिर जाऊंगा मैं। एंड गाइस यहाँ पे देखो राइस प्लांटेशन कैसे हो रहा है, अभी इन नए राइस प्लांट्स को बोया गया यहाँ पे, देखो कितना अच्छा लगता है ना। ये कहाँ से पार हो रहा है, ये क्या आया यहाँ पे, क्या फिश है दिखाओ तो। एक मिनट हट, एक मिनट हट पहले। अच्छा सही है, दो मिल गया ना स्नेक हेड। पूरा रेड दिखा मुझे, एक्सट्रीम दिखा तो पहले। ओ वाओ, डाल तो ऑटोमेटिक एयर पंप क्यों नहीं लेके आया यार, मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है। गिराना नहीं, यहाँ के जगहों को देखो, यहाँ से हमारे पापा सब आ गए। ये यहाँ से देख कैसे पानी आ रहा है, हाँ ठंडा पानी है पूरा बिल्कुल। मैं तो नहीं, सच में देख यहाँ पे। हाँ वही तो, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं भीगना चाहता बिल्कुल। वहाँ देखो मेरी मम्मी आई है, सब लोग आए हैं आज, पता नहीं लोग फिशिंग का पूरा जोश आ गया इनको। मेरे चैनल पे फिशिंग है ना, तो सब आ रहे देखो दूर, इसलिए मैंने बोला फैमिली फिशिंग ही होने वाला है शायद। देखो डिसाइड करें कहाँ से जाना है, प्रॉब्लम इनको नहीं है, प्रॉब्लम मुझे है क्योंकि मैं भीगूंगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कौन सा है, अच्छा वाला लोच है ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला लोच। स्नेक हेड 3 मिल गया, बहुत खुशी हो रहा है। अब वाल पार करते लगबो, नहीं पार होते कर ना, फाग दिया, फाग दिया पार हो गए उधर, उधर उधर से आयो चबो इतने की मार में बोराई मास देख। ओए लेके 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 आओ स्नेक हेड, दूसरा वाला कौन सा दिखाओ, कौन सा गोरा है, गोरा है पुठी मास से देवरी मास से किधर है। ओ वाओ, दिखा एक बार, दिखा हाथ में दिखा, गोरा है बच्चा, स्नेक हेड का बच्चा। कितने सारे स्नेक हेड मिल गए, हाँ ये सब फिश सब चाहिए मुझे। देखिए कैसे जाना पड़ रहा है, बाप रे। मोबाइल में पड़ बस सुस्ती भी, हाँ मैं शायद गिर ही जाऊंगा। ये क्या है, धान की खेती। ये देखो ये वाला भी हमें रिवर क्रॉस करना पड़ेगा, देख रहे हो छोटा सा। सैंडल उठा उधर, क्या है लेके आता मामू, गरम ए फाले लेके बातर मुदे से ककड़ा नीमी नीगी ककड़ा बैडिश आ गया, दिखा दिखा दे। ये तो कीमा, ये देखो बैडिश भाई, मैंने संत से ओ ये वाला ना, और का सामने दिखाई लोच लोच ना भाई मास। अपन शायद
ओके हम पहुंच गए रिवर। वाओ छोटू को देखो फिशिंग रॉड से पकड़ रहा है। तो पानी जो धुंधला पानी है तो यहाँ पे फिश बहुत मिलेगा, धुंधला पानी में फिश ज़्यादा मिलता है। दीप तो गया पकड़ने, तो मैं नहीं जाऊँगा गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या फिश मिला है। बहुत सारा फिश मिला है और आप लोगों को मैं बाद में ही दिखाने वाला हूँ। एंड अभी सुब्रोजीत एंड दीप जो थे फिशिंग करने जा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगा। तो गाइस इसका वीडियो स्किप करते हैं एंड आपको मैं डायरेक्टली फिश दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि तबीयत इतना ख़राब लग रहा है अभी, मेरे को बस घर जाना है। पर ये लोग आए यहाँ पे इसलिए फ़िशिंग कर लेते हैं, मतलब वो लोग कर रहे हैं आधा घंटा के लिए, फिर हम लोग चले जाएंगे और बाद में आपको सारे फिश दिखाऊंगा क्या क्या कलेक्ट हमने किया है। ये लोग भी यहाँ पे बैठ गए एंड वो लोग वहाँ फिशिंग कर रहे हैं। आया क्या दिखा? आया ना बैडिश। बैडिश? बैडिश मेरे को बहुत बैडिश आ गया वैसे। ये देख ले, ये देख ले, देख ले। छोटे छोटे बहुत फिश है, उनको पहले निकाल लेते हैं। भीतर है। बाप रे वेदर देखो क्या हो गया है, पूरा बारिश आने वाली उधर से और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, सर में दर्द है, तबीयत ख़राब। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं, हो गया हमारा फिशिंग। मैं फिश तो आप लोग को बाद में सामने से दिखाऊंगा, यहाँ से जाना पड़ेगा ना। तो क्या मैं बोलूँ, वाह बुरी है। दादा दादा एक टक काम सुंदर मस्त है, बहुत सारे बाय। नहीं ओए दिखा, क्या फिश मिला दिखा, दिखा दिखा। ओ स्नेक हेड, बढ़िया। देखिए चार महिलाएं, मेरी मम्मी भी है वहाँ पे और हमारे यहाँ की महिला और मेरे पापा, तो सब मतलब इतना इन्वॉल्व रहते ना इन सब चीज़ों में तो मज़ा आता है। ये लोग शायद कुछ साग वगैरह सब्जी वगैरह वहाँ से लेकर आ रहे हैं, देखो उनको और कैसा अंधेरा सा हो रहा है, देखो बारिश आने वाली है। दिस इज़ लाइक विलेज लाइफ जो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे लोग बोल रहे कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, लेट्स सी। पानी बहुत कम है, बढ़िया। ओ वाओ बढ़िया पानी है रे, कम है इसमें पानी। फिश मिला क्या? इस जगह से भी काफ़ी सारे फिश इन लोगों ने लिए हैं। प्लांट्स कलेक्ट कर सकता है लेकिन प्लांट्स बाद में ही करूँगा। ई बाप रे कितनी, मैं आ रहा हूँ क्या ये सब, बाप रे कितने फिश है यहाँ पे, बहुत मछली मतलब ना, कोने 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 में। कौन सा एक बार सामने से दिखा दो, ठीक है। इतना ज़्यादा यूनिक कलेक्शन हुआ है फिर से, बाप रे। मैं वापस घर जाने वाला था पर इन्होंने बोला कि यार आए हो तो देख ही लो, अभी जाऊँगा थोड़ा आराम करूँगा पहले तो। एंड अब हम जा रहे हैं घर, एंड अब हम जा रहे हैं घर। तो हो गया हमारा फिशिंग, बहुत मज़ा आया, ये काइंड ऑफ फैमिली फिशिंग हो गया, बहुत ही बड़ा फिशिंग, सब लोग थे, सिर्फ मैं नहीं उतरा, पता आप लोग को। तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी आप लोगों को मैं फिश सामने से दिखाता हूँ घर पे जाने के बाद, ठीक है। इस सामने है किंतु
तो गाइस फिशिंग तो हो गई थी, लेकिन उससे बड़ी एक चैलेंज आ चुकी थी कि मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी फिशिंग करके आने के बाद। मैं उतरा नहीं था बट स्टिल उस हवा से। तो फिर क्या हुआ, फिश तो हमने बहुत ज़्यादा पकड़े थे, आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो फिर घर वालों ने भी बोला और मैंने भी सोचा कि चलो इतने सारे फिश लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि घर जाने के बाद पता नहीं मेरी तबीयत कैसी होने वाली है, फिर फिश को मैं संभाल नहीं पाऊंगा और वैसे मुझे उनको ऐसे मारना नहीं है। तो मैंने क्या किया, दीपज्योति के पॉन्ड में जो बड़ा वाला पॉन्ड है उसमें आधे से ज़्यादा फिश डाल दिया, और कुछ फिश जैसे स्नेक हेड वगैरह है जो बहुत रेयरली मिलता है तो वो मैं लेकर आया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ सामने से। तो इनका अच्छे से वीडियो आ जाएगा बाद में गाइस, थोड़ा ठीक हो जाऊँ मैं, तो अभी मैं इन फिश को आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा और भी फिश है बकेट में, तो वो मैं बाद में दिखाता हूँ, लेकिन इनको आप सामने से देख लीजिए। इसमें से एक स्नेक हेड भी है, दिखाता हूँ। तो गाइस यही है वो स्नेक हेड, देख पा रहे हैं, ऐसा चार हमने पकड़ा था। एक हम लोगों ने येलो कलर का भी पकड़ा था, लेकिन वो शायद बकेट से निकल गया जब हम लोग रिवर क्रॉस कर रहे थे, तो शायद वो जर्क के वजह से कूद गया रहेगा, बहुत कूदते ना ये, तो कहीं तो गिर गया रहेगा रिवर में। एनीवेज तो ऐसे हमने चार पकड़ा था, एक मैं लेकर आया, तीन मैंने छोड़ दिया, और इसमें से बाकी फिश देख पा रहे हो। ये वाले फिश तो हमने पहले पकड़े हुए हैं, लेकिन ये पीछे जो आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा अलग कलर है, दिखाता हूँ आपको, सामने आने दो उसको। हाँ वो पीछे देखो जो डॉटेड है ना, ये काफ़ी नया फिश है, एडिशन हुआ है मेरे इस फिश हॉबी में, तो काफ़ी सुंदर है। ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे हैं बकेट में, तो और भी है, तो ये सारे कलेक्शन है गाइस, कैसा लगा ज़रूर बताना। तो जो भी फिश हम लेकर आए थे ये सब यहाँ पर है, देखो। तो यहाँ पे हमारे सारे फिश है जो हम पकड़ के लेकर आए थे, इसमें अभी सिर्फ 20% 30% ही है, बाकी तो हम लोगों ने सब छोड़ दिया था।